इसका रेट 120 तक चला जाता है। यहाँ ये बीज नहीं उगने का कारण क्या है? 6 से 8 किलो अपने को पर प्लांट प्रोडक्शन निकलना चाहिए। छोटा किसान शुरुआत कर सकता है इसमें। ये लट की चीज की है, ये देखो, ये लैम्बडा साइक्लोथ्रिन लिया था एक बार। इसको काचड़ा बोलते हैं दोस्तों। 150 फीट लंबी, 150 फीट लंबी लाइन है। नमस्कार किसान मित्रों, मैं आज आपको एक मिलाऊंगा प्रगतिशील किसान से, जो आज उनकी उम्र 24 से 25 साल है। ये अपने सामने मित्र है मेरे और किसान है, शैलराज देवानी। शैलराज देवानी नमस्कार। ये बॉम्बे से आए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो ये चवलेरी कर रहे हैं, जो बरबरी और बीन्स भी बोलते हैं। और ये चवलेरी के साथ अनार और अनार के साथ अमरूद, हर बागवानी की खेती भी ये करते हैं। और इन्होंने अभी ये जो चवलेरी के बारे में इनसे पूछते हैं कि चवलेरी कौन सी है, ये बताएंगे। शैलराज जी, ये आप बताओ कि ये चवलेरी कौन सी है, क्या चीज है, ये आप बता सकते हो? आप धरती सीड की बबली वेराइटी की चौड़ी है। ओके। लॉन्ग लेंथ चौड़ी है। हाँ। इसको कंटिन्यूस पिकिंग की जरूरत होती है, हाई यील्डिंग सीड है ये। ओके। और इसको बंधाई की जरूरत होती है और अर्ली हार्वेस्ट इसमें आता है, 50 से 55 दिन में फर्स्ट हार्वेस्ट आ जाता है आपको। अच्छा, 50 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। जब अभी आप बता सकते हो कि ये जो पौधा है ये कितने दिन का, ये पौधा आपने कब लगाया? पौधा है 21 दिन का, 3 तारीख को प्लांटेशन किया था। तीन कौन सी तीन को लगाया आपने? 3 जुलाई को। दोस्तों आप देख रहे हो जैसे कि ये 3 जुलाई का पौधा है और इनकी आज ग्रोथ देख लो, ये 21 दिन का पौधा, इनके दो शानदार ग्रोथ है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो ये अभी बताएंगे इसके बारे में। और इन्होंने जो धागा लगाया, देखो दोस्तों, ये वाली जो मतलब ये बेल वर्गीय फसल है, इसको बारिश में ऊपर करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। और इसमें आप ये बताएंगे कि ये आपने ये धागा क्यों लगाया है? बेल नीचे ना फैले, वर्टिकली खड़ी रहे, उसमें कंप्लीट एरिएशन हो ताकि फ्लावरिंग और प्लांट हेल्थ के लिए सुरक्षित रहे, फंगस का प्रॉब्लम ना आवे और प्रोडक्शन ज्यादा रहे, उसके लिए इसको ऊपर लगाना ठीक रहता है। और नीचे पानी का भराव हो कोई कारण। अच्छा, से हाँ। तो जैसे कि अभी भी ये बारिश हो चल रहा है, हल्की बारिश हो रही है, तो बारिश के भराव के कारण भी, जैसे कि अभी ये बारिश हो रही है यहाँ पे, देखो हल्की हल्की छांटे हो रही है, इससे ये मतलब भराव नहीं हो, इसलिए इनको ऊपर आप ऊपर कर रहे हो ना जी। हाँ, और इसमें इसका क्या फायदा हुआ आप बता सकते हो? इसका फायदा ये है कि ये कोई भी सीजन में आप ले सकते हो, ये जो सीड है समर विंटर और रेनी कोई भी टाइम पे आप इसको प्लांटेशन कर सकते हो। इसको नर मादा या हनीबी के क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन है। ओके। डायरेक्ट फ्लावर टू फ्रूट आता है। अच्छा। इसमें दूसरी लीफ माइनर का एक इश्यू है, थ्रिप्स का, व्हाइट फ्लाई का, और उसके अलावा कोई वायरस वगैरह का इश्यू नहीं है, वायरस रेजिस्टेंट वेराइटी है। अच्छा। और इसका प्रोडक्शन काफी अच्छा है। ये धरती जो ये पौधा है, ये अगर पौधा मिलता है कि बीज मिलता है, इसके बारे में कोई बताइए आप, जैसे धरती का ये पौधा है कि बीज मिलता है? सीड आता है। अच्छा। आता है 5 रुपए से 6 रुपए तक, हर एक स्टेट में अलग अलग रेंज में मिलता है। राजस्थान में 6 रुपए की पर सीड। अच्छा, पर एक बीज की कीमत 6 रुपए की पड़ रही है। 6 रुपए की। अच्छा। सीड महंगा है, परंतु उसका रिजल्ट के अनुसार देखे जाए तो ये गुड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, गुड इन्वेस्टमेंट। ये जैसे अभी आपने लगाई है, ये 21 दिन की फसल हो चुकी है, जो मैं आपको किसान मित्रों बता रहा हूँ, पूरी 21 दिन की। ये शैलराज जी बताएंगे आपको कि ये कितने दिन चलेगी, ये फसल कितने दिन चलेगी? ये सही वातावरण और सही केयर हो तो कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने तक खींच सकते हैं। ऑन एवरेज अपन 8 महीने का एवरेज पकड़ के चलते हैं कि 8 अच्छा। महीने ये फसल चलनी चाहिए। ठीक है। अभी आपने ये पौधे कितने लगाए हैं, बीज कितना लगाया आपने? बीज हाल फिलहाल जो 3 तारीख को जो प्लांटेशन हुआ है, हाँ। वो 5000 सीड का हुआ है। और आगे प्लांटेशन हुआ है जो उस तरफ सामने की तरफ हुआ, हाँ, मैं आपको जूम करके बताऊंगा, वो सामने की तरफ, हाँ ठीक है, वहाँ 10,000 सीड का प्लांटेशन चालू है। अभी 5,000 आपने तीन तारीख को 5,000 का ठीक है, 5,000 3 तारीख लगाया है। ये जो पौधे हैं, आपने सारी चीज बता दी, इसमें डिजीज कम आती है, 3-4 आती है, बाकी डिजीज सेल्फ पॉलिनेशन है। और इसका मंडी में रेट क्या रहता है, आप किसानों को बताइए इसकी मंडी में क्या रेट। इसमें पूरे साल अलग डिफरेंस में रहता है, मिनिमम में 35-30-35 रुपए जाता है, ऊपर में 120 रुपए तक भी जाता है।
गर्मी के टाइम पे जब दूसरी वेराइटियां नहीं चलती है, दूसरी वेराइटियां चोलाफड़ी में गर्मी में वेराइटियों के पत्ते जलते हैं एक्सेस हीट के कारण, तो ये वेराइटी गर्मी भी सहन कर लेती है। अच्छा। तो वो टाइम पे इसका रेट 120 तक चला जाता है। अच्छा। हर साल जयपुर बाजार 120 गई हुई है। अच्छा। और जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये आपने स्ट्रक्चर लगा रखा है ये वाला, अब हर कोई किसान इतना बड़ा इतना महंगा स्ट्रक्चर तो खरीद नहीं पाएगा, इसके बारे में कोई आप राय हो तो बताओ। बाम्बू यदि अपने पास अवेलेबल हो आजू बाजू में ओके, या फिर कोई मंडप के लिए स्ट्रक्चर, घर के पास भी अपने पास लकड़ी की कोई स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी हो। अच्छा। और उस पे तार खींच के या प्लास्टिक का वायर खींच के भी एक बार छोटा किसान शुरुआत कर सकता है इसमें। अच्छा। छोटे किसान के लिए यह सबसे उपयुक्त खेती है क्योंकि लिए इसमें खर्चा कम लगता है। यदि अपने पास लकड़ी हो, बांस हो, दोरा हो, तो अपन इसका काम शुरू कर सकते हैं और कम नंबर ऑफ सीड्स में भी हाई प्रोडक्शन अपन निकाल सकते। अच्छा। जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से पूरी ये लाइन है, ये लाइन कितने फीट लंबी लाइन है पूरी, ये 150 फीट लंबी लाइन है। इसमें पौधे कितने हैं? 75 डिस्टेंस के ऊपर लगाए हुए हैं। अच्छा, 2 फीट के डिस्टेंस पे लगा रखे आपने, 1 से 2 फीट के डिस्टेंस में, ठीक है, ये आपने लगा रखे। ये सलाल जी आप ये बताइए कि इसमें से पर पौधे से कितना प्रोडक्शन निकलता है? पर पौधे से प्रोडक्शन 6 किलो अपने को टारगेट रहता है, 6 से 8 किलो अपने को मिनिमम टारगेट रहता है, ठीक है, अपने को निकालना ही है। हाँ। तो अपने को वो खेती करनी इसकी वाजिब होती है क्योंकि लिए स्पेस भी यूज होता है, जगह का भी रेंट, अपना स्ट्रक्चर का रेंट, मल्चिंग, लेबर सब गिनने जाए तो अपने को 6 से 8 किलो अपने को पर प्लांट प्रोडक्शन निकलना चाहिए। हाँ, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, ये मल्चिंग मैंने ये इतनी बड़ी मल्चिंग देखी, सिंगल छेद वाली आपने मल्चिंग, ये कितना मल्चिंग कितने लेंथ लंबी है ये बताओ, इसके बारे में जानकारी दे मल्चिंग के बारे में। हाँ, 5 फुट ना लेंथ नो रोल है। हाँ। 5 फीट इसकी विड्थ है। हाँ। और लंबाई 800 मीटर का रोल है। अच्छा। हम लोग ने इतने में लगभग 2.5 to 3 रोल हमारे यूज हुए है। ओके। एक रोल थोड़ा एडजस्टमेंट करने में थोड़ा बहुत ये मिसयूज हुआ था। ओके। पर वो एडजस्ट करके अपना 3 रोल में इतना काम हो। हाँ, चुका। इसमें ये इसकी छोड़ाई एकदम ओके लग रही है। हाँ। है ना जी। ये यहाँ ये बीज नहीं उगने का कारण क्या है? ये जब हमने बेड बनाया था उसके बाद ये मल्चिंग सही से नहीं लगी थी, जो मल्चिंग फ्लैट। अच्छा। लगनी चाहिए एकदम टाइट जमीन से। अच्छा। उसमें ये गैप रह गया और धूप के वजह से मल्चिंग के नीचे हवा होती है वो गर्म होके इस छेद से बाहर निकली, तो उसने पौधे, छोटे पौधे का तना जला दिया। अच्छा। ये कारण से यहाँ पे डेथ हुई है। बाकी लगभग टोटल मतलब जर्मिनेशन पूरा हो गया है जी, मतलब 99% जर्मिनेशन पौधों का है जी, एक परसेंट तो रहता ही रहता है, वो कंपनी वाले भी नहीं कहते। बट आपकी ये फसल हम देख के तो शानदार लग रही है, 21 दिन की फसल है दोस्तों, जो चवड़ा फली बोलते हैं। और अभी इनमें आपके यहाँ मैंने एक चीज़ देखी, जैसे लीप माइनर के बारे में बताया, और अभी एक मैं आपको ये लट बता रहा हूँ दोस्तों, इसके बारे में शैलराज जी बताऊँ आपके, ये लट किस चीज़ की? ये देखो ये क्या करती है? ये बारिश जुलाई के 2nd और 3rd वीक में आती है, ये लट राजस्थान एरिया, डेजर्ट एरिया के लिए, ये स्पेसिफिक बिहार हैरी कैटरपिलर बोलते हैं। क्या बोलते सर, इसको वापस बोलना सर आप। बिहार हैरी कैटरपिलर बोलते हैं। बिहार हैरी कैटरपिलर। हाँ, हाँ। और दूसरे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। हाँ। काचड़ा भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ओके। तो यहाँ पे इसका जुलाई के 2nd और 3rd वीक में वेदर के अकॉर्डिंग ये आती ही है, इसके लिए स्प्रे करना अनिवार्य है। क्या स्प्रे करते हो आपके लिए? स्प्रे में हमने लैम्ब्रा साइक्लोथ्रिन लिया था एक बार। ओके। एक बार मोनोप्रोटोफॉस लिया था और एक बार डाइक्लोरोवस का स्प्रे लिया था। ओके। परंतु जैसे ही स्प्रे मारा, पीछे बरसात होती है तो स्प्रे का असर नहीं होने के कारण और आजू बाजू जंगल होने का कारण इसका ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। बाकी आपने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रखे तो भी ये इसको काचड़ा बोलते हैं दोस्तों, लैंग्वेज लोकल भाषा में कचड़ा बोलते हैं। बाकी सरला जी ने बताया इस लट के बारे में, ये किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायी होती है। अभी हमने आगे एक वीडियो में देखा था कि उसके पत्ते खा लिए थे, ये पत्तों में छेद कर देती है ना, ये पत्ते खाती है ना, पूरा पत्ते खा जाती है पूरा। अच्छा।
और इस धागे के बारे में आप थोड़ा जानकारी दे तो ठीक रहेगा। ये धागा कैसे मिलता है, क्या रहता है, ये नीचे वाला धागे से लगा के ऊपर वाले धागे में बताइए। नीचे वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग धागा है, नायलॉन बेस का। नायलॉन बेस का, ठीक है। और ये कॉटन बेस का धागा है। अच्छा, कॉटन मिक्स में धागा ये, है ये तो अपने जो सिलाई के लिए यूज है तो वही धागा तो नहीं है ना? हाँ, वही धागा है, थोड़ा उसका थिकनेस थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, बाकी डिफरेंस नहीं है। उसको दो बार गांठ मारी है। अच्छा, जीरो पे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, सेकंड लेवल, ठीक है। अपना स्ट्रक्चर कभी भी कोई धागा टूटे, कोई स्ट्रक्चर टूटे तो अपना पूरा मंडप नीचे ना गिरे, उसके लिए ये सेफ्टी के लिए हम लोग ने तीन लेवल पे पौधे बांधने का निर्णय लिया। ये जैसे कि ये बिन्स यहाँ से जाएगी, यहाँ से ये यहाँ तक जाएगी, वापस नीचे जाएगी? जी, नीचे जाएगी। नीचे जाके वापस इसको आप उठा के ऊपर डालोगे। जैसे कि अभी अपन आगे चलते हैं, ये एक जो ये आपने लाइन बताई हमें, ये पूरी लाइन, इसमें ये आपने ये बम्बू लगाए कितने डिस्टेंस पे लगाए ये वाले? ये हमने लगाए है 20-20 फुट पे। अच्छा, और अगर बांस के कहे तो 10-10 फीट लगा सकते हैं? 10-10 फीट पे लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास ऑलरेडी ये किस चीज के पहले से पड़े थे इसलिए आपने यूज किए, कि उसके बारे में कुछ बताइए। ये अनार के पौधों के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है, ये उसके लिए बनाए हुए स्ट्रक्चर थे। अनार के पौधे पुराने होने के कारण इस प्लॉट में जो अनार थे वो निकालने के बाद इसमें सब्जी ली है। अच्छा, तो उसी को स्ट्रक्चर को हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल करके उसको सब्जी में उपयोग कर रहे हैं। उपयोग, चलो आगे बताइए इसका ड्रिप सिस्टम बताइए, आप ड्रिप क्या कैसे चलता है वो बताइए। दोस्तों, ये थे सहलराज जी देवानी, जो बॉम्बे से बीटेक कर रखे है और राजस्थान में आके ये खेती कर रहे हैं। ये 4 से 5 साल हो गए उनको, 2000 कोरोना टाइम में ये आए थे, कोविड से पहले आए थे, बाकी पूरा कोविड इन्होंने यहाँ निकाला है राजस्थान में। और इन्होंने एप्पल बेर सब तरह की खेती इन्होंने की है, अमरूद, एप्पल बेर, अनार। ड्रिप वहाँ से है कि इधर से है? ड्रिप के बारे में, ड्रिप यहाँ से है। अच्छा, ड्रिप यहाँ से है। और ये खिला किस लिए? ये एंकरिंग के लिए दिया हुआ है। अच्छा, ताकि जब लोड पड़े तो जो पोल है वो खींच ना जावे। अच्छा, एक्स्ट्रा लोड के कारण से। अच्छा, 2.5 to 3 फीट ऑन एवरेज, 3 फीट के एंकर्स है जो अपने को रेवदर और टमाटर जहाँ पे ज्यादा होते हैं वहाँ के बेल्ट में ये आसानी से मिल जाता है। और ये आपने छोटा सा खिला दिख रहा है मेरे को, ये वाला किस लिए यूज किया आपने? ये हमने यूज किया है, ये सामने यहाँ भी दिख रहा है, जैसे यहाँ भी दिख रहा है, ये आपने किस लिए यूज किया इसके बारे में बताइए। पहले जो अनार के बेड थे उनके स्पेसिंग और अभी जो चौला पड़ी के स्पेसिंग है वो डिफरेंट है। हाँ। तो नए स्पेसिंग के ऊपर ड्रिप लाइन लेने के लिए, स्ट्रेट लेने के लिए यहाँ पे ये खिले लगाए हुए हैं। ओके। ताकि वही लाइन के ऊपर प्लांटेशन हो, वही लाइन के ऊपर ड्रिप लगे और वही लाइन के ऊपर एंगल और एंकरिंग हो। अच्छा, सेलराज जी, ये आपने जो बीन्स हमारे यहाँ चवड़ा फरी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बीन्स बोलते हैं, यूपी और बिहार में और कई लैंग्वेज में इसको बर्बरी भी बोलते हैं, और आपके हिसाब से इसको क्या क्या बोला जाता है वो कोई बता सकते हो आपके हिसाब से? लूबिया भी कई कई जगह पे बोला जाता है, चौड़ी भी बोलते हैं। अच्छा, चौड़ा फड़ी भी बोलते हैं। तो ऐसे सब अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ये दोस्तों सेलराज जी पूरी जानकारी दी मैं आपको, इनका ये फील्ड बता रहा हूँ आपको अभी, जिन्होंने अपन को चवला फली के बारे में पूरी जानकारी दी। और इनका आप खेत देख लो कितना एकदम क्लियर और साफ है। और जो अभी इन्होंने जो लट बताई थी, जो देखो ये नुकसान करती है दोस्तों, ये वो लट जो नुकसान करती है दोस्तों, यही करती है ना सेलराज, इस टाइप से नुकसान करती है ना जी, ये पूरे पत्ते को परफोरेट कर देती है, छेद कर देती है पूरे के पत्ते में, सारे पत्ते। अच्छा, में अगर जो कंट्रोल ना हो तो सारे पत्ते छेद कर देती है। सेलराज जी ने जो अपन को ये जानकारी दी, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सेलराज जी, आपने जो हमें ये जानकारी दी, और ये देखो दोस्तों ये एक उदाहरण है आप लोगों के लिए, ये बॉम्बे से आके यहाँ राजस्थान में ये जो वेजिटेबल्स और बागवानी की खेती करते हैं, अमरूद वगैरह, और यहाँ से लोग बॉम्बे जाते हैं, ये लोग बॉम्बे से यहाँ के खेती कर रहे हैं। धन्यवाद सेलराज जी, आपसे आपको मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, आगे वाले वीडियो में और जानकारी दूंगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।